250 केजी के 4 रेप लगाने हैं, लेजर फोकस बना हुआ है, जय श्री राम बोल के खींच दूं, पर 300 नहीं चाहिए, 320 चाहिए। जब प्रेप स्टार्ट कर रहा था तभी इंडियन फ्लैग रख लिया था अलमारी में सजा के। हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप लोग। सो आ चुके हैं जिम, और जिम बहुत ही ज्यादा क्राउडेड है, बहुत ही अच्छी वाइब है, बट मैं यहाँ पे ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ अभी, बिकॉज अभी इतना भीड़ भाड़ में ट्रेन करूंगा ना तो फोकस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल लेजर फोकस बना हुआ है, मेडल लेना ही है। ये प्रेप बाकी प्रेप से अलग है, इस प्रेप में मैं हो चुका हूँ पागल काइंड ऑफ, और कैसे भी करके जीतना है। आई हैम डेडलिफ्ट करने, और मन्नू के साथ थोड़ा सा डंबल करने का प्लान है। मन्नू फर्स्ट टाइम 60 केजी ट्राई करने वाला है, और मैं फर्स्ट टाइम नहीं मैंने 65 पहले ट्राई किया है, 3 रेप आए थे, तो देखते हैं। कह सकता हूं ये 65 पे मेरे से एक रेप ज्यादा नहीं लगा पाएगा, जितने मैं 60 पे मारूंगा उतने ही 65 पे मारेगा। अच्छा, we'll see. टेक्निकली दिस इज द मोस्ट क्राउडेस्ट जिम आई हैव सीन। लाइक अभी शाम के 8 बज रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 130-140 पीपल। दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी बात है, बट पावर लिफ्टिंग के लिए नहीं है। डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म खाली होने वाला है, फट से कैप्चर करेंगे, ठीक है, लेट्स गो। और तो गाइस, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी प्रोटीन रिलेटेड, कि मैं बहुत सारे लोगों को ये देखता हूँ कि वो अलग अलग ब्रांड्स, कोई भी ब्रांड ले रहे हैं। मैं मसल बेस का एथलीट हूँ, अब मैं क्यों हूँ, मैं किसी भी ब्रांड के साथ क्यों जुड़ता हूँ, क्योंकि मैं चीजें चेक करता हूँ कि क्या हर एक चीज सही हो रही है। जब आप मसल बेस में आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कुछ चीज है उसी के कारण सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ट्रस्ट है। यहाँ पे देखो कितने सारे सर्टिफिकेशंस मिले हुए, इन्फॉर्म चॉइस का सर्टिफिकेशन है, उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रस्टीफाइड, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है आज के टाइम पे, वो सर्टिफिकेशन है, प्लस लैबडोर सर्टिफाइड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं, ट्रस्टेड ब्रांड ही लो, कोई भी इधर उधर का ब्रांड नहीं लो, और ट्रस्टेड जगह से लो, ठीक है। तो ये मैं अभी यूज कर रहा हूँ मसल बेस परफॉर्मेंस वे, आइजेन परफॉर्मेंस वे। इसका नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है, ट्रस्ट मी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसको पीने में। ये है कुकी फ्लेवर, बिस्कॉफ कुकी फ्लेवर, नया फ्लेवर लॉन्च किया है मसल बेस ने। आपका प्रोटीन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा टेस्ट करने वाला है। एक आपको बिस्किट, छोटे छोटे बिस्किट वाला फ्लेवर आने वाला है, वो आपको लगेगा कि आप छोटे छोटे बिस्किट्स भी खा रहे हो, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। सो इसमें 25 ग्राम प्रोटीन है, एंड कभी भी मसल बेस से कुछ भी खरीद दो, सिंघा 30 यूज कर लिया करो, उससे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होगा, इसका नया फ्लेवर है, जरूर ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। दीज आर कॉल्ड डायनामिक स्ट्रेचेस, लड़कियां ताड़े जा रहा है जितने भी स्ट्रेचेस नहीं कर रहा, दीज आर कॉल्ड स्ट्रेचेस, यू डोंट नो, तेरे जैसे लोगों के जैसे पावर लिफ्टर बदनाम है कमर्शियल जिम में, आधे घंटे लड़कियां ताड़ेंगे, 15 मिनट वर्कआउट, इसीलिए मैं आता ही नहीं कमर्शियल जिम। फीस दे रखी है, महीने में एक दिन आता हूँ, वो भी वीडियो बनाने। अच्छा, वीडियो अच्छी आती है बस। तूने अभी वहाँ पे वर्कआउट क्यों नहीं करा फिर? बोला तो वीडियो बन रही है, वीडियो अच्छी आती है, बस वीडियो के लिए आता हूँ भाई, तुम लोगों के लिए, कि तुम्हें अच्छा वीडियो मिले, लाइटिंग मिले, वहाँ पे वो नहीं मिले। तो इस जिम में एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 25 केजी की प्लेट नहीं है, तो ये 20-20 वाला बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। मेरे को 25 की आदत है, तो वो भी दिक्कत होती है, ठीक है, बाकी ओके। इंडिया का मैच चल रहा है श्रीलंका के साथ, और थैंक गॉड मैं नहीं गया, मेरे को टिकट मिल रही थी इसकी, और काफ़ी महंगी भी मिल रही थी, मेरा प्लान था, बट श्रीलंका ने बहुत गंदा परफॉर्म किया फिर से, 50-60 रन पे ऑल आउट, अच्छा हुआ नहीं गया। So main set का टाइम है अभी, 250 केजी के 4 रेप लगाने हैं, 4 ऐसे लगाने हैं, और 3-4 रेप है। बीइंग ऑनेस्ट, मेरा डेडलिफ्ट उतना अच्छा नहीं जा रहा है, इसलिए मैं मैक्स आउट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस 250-260 पे रेप्स कर रहा हूँ। प्रोसेस में विश्वास रख रहा हूँ कि 2-3-4 हफ्ते की मेहनत के बाद 310-315 आराम से निकलेगा, तो अभी बस 250-260 पे मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। एक पावर लिफ्टर हमेशा हर चीज में पीक नहीं कर रहा होता है, मेरी स्क्वाट बढ़िया जा रही है, बट अभी डेडलिफ्ट थोड़ा सा बैक डाउन ले रखा है। एक्चुअली वो जो एल्बो में पेन है, वो जो मैं पुल करता हूँ डेडलिफ्ट में, तो वो बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण मैं पूरा फोर्स नहीं लगा पाता, बट कोई नहीं, इंजरी यार पार्ट है गेम का, और उसके साथ ही खेलना है। इस बार की प्रेप यही है भाई, मैं कितने पेन में हूँ मैं तो बताता भी नहीं वीडियो में, कोई बात नहीं, जो सामने हैं बंदे उन्हें पता है क्या हालात है। 250 केजी 4 रेप्स, लेट्स गो डू दिस।
ये था 250 kg, 4 rep, 250, और ईजी आने चाहिए। आई लॉस्ट माई मोमेंटम बिकॉज बीच में मेरे को हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई थी, हैमस्ट्रिंग खिंच गया था। उसके 3 हफ्ते अराउंड हमने डेडलिफ्ट नहीं करा, कुछ कुछ करके काम चलाया, पेंडले वेंडले हैवी मार के, बट उससे कुछ होता नहीं है। तुम अगर डेडलिफ्ट छोड़ रहे हो, जान जाती है, वो जान गई है। मैक्स 250 पे मेरे अभी 7 रेप आते हैं, 7 या 8, 300 तो एनी डे है, 300-305 तो मैं जय श्री राम बोल के खींच दूँ, उतनी पावर है। 315-320 चाहिए, यानी अगले 4-5 हफ्ते पूरी डेडलिफ्ट को डेडिकेटेड है, बिकॉज मेरे को स्क्वाट में भरोसा है। ऑन अ बैड डे आई डेडलिफ्ट 300, बट 300 नहीं चाहिए, 320 चाहिए, 320, यानी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम्हें पता ही है सिंगा करेगा, जस्ट कीप ट्रस्टिंग, विश्वास रखो, भरोसा रखो। कुछ कमेंट आए थे, एक अभी कमेंट आया था कि तू इंडिया इंडिया इतना क्यों कर रहा है, व्यूज़ मिल कर रहा है, तेरे को ये व्यूज़ आते हैं, पैसे आते हैं, तू इसलिए कर रहा है, खेल रहा है। नहीं तो तेरे ऐसे तो हर स्पोर्ट्स में पैसा है, ये है वो है। भाई मैं तो कुछ और भी डाल लूँ, 4 हफ्ते में बॉडी बना लो, 2 हफ्ते में एब्स बना लो, ये कर लो वो कर लो, उसमें भी तो व्यूज़ हैं। व्यूज़ के लिए नहीं है भाई, है बस जीतना है, नहीं समझो। जब प्रेप स्टार्ट कर रहा था तभी इंडियन फ्लैग रख लिया था अलमारी में सजा के, इसको लेके जाएंगे मलेशिया और लहराएंगे अंग्रेजों के सामने, उसके लिए कर रहा हूँ। Just keep believing, I'll do it. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait. So it's time. 60 kg करेगा ना तू? हाँ. 60 करेगा ना? Yes. पहली बार. पहली बार. 60 कर लियो, फिर मैं 65 करूँगा. This is your first time. हाँ, मैं पहली बार. 50 पे कितना आए थे? 50 पे 8-10 मारे थे मैंने. पर मैं ज्यादा मार सकता था, पर इसमें भी 8-10 की ट्राई करूँगा. 5 से ऊपर भी बहुत बढ़िया चीज है. अबे 60 है, ऐसा वेट है जो जिम में डंबल ही नहीं होता, बनाना पड़ रहा है. अबे तो मैं भी तो मन्नू हूँ, मन्नू द ग्रेट. एक बना दिया, एक दूसरा. एक बैंड चाहिए ये. भाई ऐसा क्यों रहा यार, बस आ रहा है ऐसा मतलब मेरे को स्टाइल में टी शर्ट उतारने पे भाई. भाई या थोड़ा फ्लॉन्ट करो, जो आपके पास है वो फ्लॉन्ट करो भाई. अभी हम एक दिन रात को चल रहे थे, 1:30 बजे पैदल चल रहे, बस वॉक कर रहे थे रोड पे, तो सैटरडे को बनाते वॉकिंग वीडियो इन टाइट लेगिंग. दो तीन लड़कियां बैठी हुई थी गाड़ी में और बस हम वॉक करके क्रॉस हुए, तो मन्नू ने उस टाइम एकदम टाइट वो ऐसे पहन रखी, टाइट नहीं थी, नॉर्मल पजामा था बट और वो दिख रहा था, हाँ फिट था. तो जैसे हम क्रॉस हुए ना, तो वो लड़की बोलती है ऐसे देख, ऐसे 3-4 लड़कियों ने कह दिया ऐसे देख बेंच पे. मेरे को अनसेफ फील हो रहा है पुणे में. मुझे लग रहा था दिल्ली खराब है. ऑल्सो गाइस, ये है हमारे न्यू रिस्ट स्ट्रैप्स स्पेसिफिकली हैवी लिफ्टिंग के लिए. तो बहुत सारे लोग ना कमेंट करने लगते हैं रिस्ट स्ट्रैप 250-300 मिल जाते हैं, तो 250-300 वाले वही काम करते हैं, 300 वाले 899 का है, बट इसके पीछे काम किया गया है, ये हैवी लिफ्टिंग के लिए है. तो मैं आप हर किसी को लेने नहीं बोल रहा हूँ, जो जिम में थोड़ा बढ़िया लिफ्टिंग करता है, डंबल्स 35-45, बेंच प्रेस 100-120-130, उनके लिए पक्का हेल्प करेगा. लाइक 5-10 kg का PR एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो वार्म अप टाइम 40 kg, ठीक है. चला जा, easy, stable, breathe, lightweight, come on, light है, control है, lightweight, चल बढ़िया, दो ले आ, लेते जा, सांस ले, breathe कर, जान लगा, चल, तीन और, चल, आराम से, सही आये bench shot exact. क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है. तो भाई हवाबाजी कर रहे हो तो बढ़िया से करो, फुल रेंज ऑफ मोशन मारो. पर मैं लिटरली मैंने बेंच करी है अभी 150 की, फिर 140 की करी है, फिर पूरे बैक की एक्सरसाइज करी है, फिर आधा घंटा वेट करा है, फिर ये कर रहा हूँ. तो अगर फ्रेश होता तो आराम से लगा देता, 7-8-9-8 तो थे. नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं. जो मेरे लिए बना रहे हैं वो है 65, ये 60 kg था, अब 65 kg कर रहे हैं. 65 पे ना आई थिंक मैंने वीडियो बना रखी है, मेरे 3 रेप आए थे, तो मैं उसको चाहूंगा कि वो 6-7 हों. 3 रेप मारे थे मैंने, बहुत कम थे, तो अभी मेरे को लगता है मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ. आज 6 मार जितने मैंने मारे हैं, 6-7 सोच रहा हूँ. ये इसे खोल के फिर से सारी प्लेट डालनी पड़ेगी. ये देखने में ही इतना हैवी लग रहा है. ओ तेरी बहन शोध, उल्टा आदमी क्या. ऐसा तुम लोगों को लग रहा होगा कि ओ भाई सिंगा मार रहा है ऐसे, उसको हैवी नहीं लगता होगा. भाई बहुत हैवी लगता है. और हम अपना मेन वर्कआउट करके ये सब ट्राई करते हैं, बिकॉज आवर फोकस इज बोथ कंटेंट
एंड मेटल, पर ये ऑप्टिमल मूवमेंट नहीं है, तुम्हें इंजरी आ सकती है, इसीलिए ये लास्ट है, इसके बाद मैं डंबल छू भी नहीं रहा हूँ। 75-80 का गोल रखा है, वो नेक्स्ट है। ये मसल बिल्ड करने के लिए ऑप्टिमल मूवमेंट नहीं है, हाँ तो ये मत करना तुम। अच्छा तू उसमें मैं बोल रहा है, अच्छा हाँ भाई आजकल एक डिबेट चल रही है ऑप्टिमल है नहीं ऑप्टिमल है, ये वर्कआउट करो वो नहीं करो, क्या कहना है तेरा उस बारे में? नो कमेंट्स, अपने ऊपर ध्यान दो, बॉडी बनाओ, बातें करने वाले आते हैं जाते हैं, जो कुछ कर देते हैं वो लंबे टाइम तक रहते हैं। बात सुनो, ऑप्टिमल क्या होता है यार, डेडलिफ्ट, बारबेल रोइंग, ये सारी एक्सरसाइज गलत नहीं है, इसको करने वाले लोग गलत होते हैं, गलत तरीके से करते हैं। अगर तुमसे बारबेल रोइंग में बैक राउंड हो रही है तो मतलब तुम्हारी लोअर बैक वीक है, कोर वीक है, उस एक्सरसाइज को तो मत नहीं छोड़ो ना, अपनी लोअर बैक और कोर को स्ट्रॉन्ग करो। बारबेल रोइंग गलत नहीं है, डेडलिफ्ट गलत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है, बहुत ही गलत तरीके से कर रहे हो, मारे जा रहे हो, हैवी मार रहे हो, बैक राउंड करके मार रहे हो, तो गलत है ही है ना। एशियन के बाद क्या गेन करेगा, कट करेगा? नहीं, कट करेगा, हाँ। तो मैं गेन कर रहा हूँ, और तो जब दोनों 12-13% 11% होंगे तब मेजर कर लेंगे। आउट से कि तू आर्म्स बैक में बहुत ही गिफ्टेड है, वो अच्छे ग्रो हो रहे हैं, चेस्ट है, एब्स है, लेग्स है, मसल टू मसल रहेगा। चले कल तगड़ा हो गए, कुछ कर, छोड़, चल तगड़ा, एक दो बढ़िया, तीन चल चल, चार दो और दो और दो, पांच एक और बार, छह एक और बार, पहली बारी में इतना हिल गया ना मैं, जब नीचे गया तूने देखा इंडिया में कोई जिम में 75-80 हूँ 70 हूँ उन्हें हमें कैसे बुलाना चाहिए? मैसेज कर रहे थे ग्वालियर, पता नहीं ऐसी जगह पे है 70-80 किलो का डंबल, भाई किसी जिम में हमें कैसे बुलाओ, वेलकम, और हम तुम्हारे जिम में मारेंगे 70-75 आफ्टर एशियंस, कमेंट कर देना। मेरे को बहुत मजा आता है डंबल्स में पुश करने में, एंड आई वांट टू पुश 80-85 केजी डंबल्स आफ्टर एशियंस। ये लास्ट था, इसके बाद देयर इज नो डंबल, कुछ भी नहीं आएगी।